रेड नेटवर्क पर आपका स्वागत है। मैं हूं योगाचार्य कौशल कुमार कमल। आज हम बात करेंगे एक और समस्या को लेकर के, आधुनिक जीवन शैली और बढ़ते तनाव की वजह से थायराइड की समस्या आम होती जा रही है। तो थायराइड को योग से कैसे हराएं, हम आज इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम खड़े हो जाते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे, थायराइड ग्लैंड गले के पास होता है, थायराइड ग्लैंड की, और यहीं जब समस्या उत्पन्न होती है, थायराइड ग्लैंड से जो स्रावित होता है केमिकल, जब उसमें डिसबैलेंस होता है तो आप थायराइड की समस्या से पीड़ित होते हैं। तो सबसे पहले जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं उसका नाम है उच्चारण स्थल एवं विशुद्धि चक्र की शुद्धि। उच्चारण स्थल और विशुद्धि चक्र की शुद्धि यानी गले को, थायराइड ग्लैंड को हम साफ करने जा रहे हैं, उनको विशुद्ध करने जा रहे हैं। सबसे पहले सब स्थिति में खड़े हो जाएं, दोनों पाँव को मिला लें, दोनों हथेली साइड में, सीना उभरा हुआ सामने देखेंगे और अभ्यास को शुरू करेंगे। शुरुआत में 10 से 15 बार करें, बाद में इसको 20 से 25 बार बढ़ा सकते हैं। शुरू करते हैं अभ्यास। लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। ध्यान रहे इस दौरान आपकी सजगता, आपकी अवेयरनेस गले के ऊपर हो, यानी विशुद्धि चक्र पे हो, तभी इसका प्रभाव पड़ेगा। एक बार फिर से देखिए, शुरुआत में हल्का चक्कर आ सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास बेहतर होगा चक्कर कम आएगा। इसीलिए अभ्यास के बाद थोड़ी देर आंखें बंद करें, अभ्यास को महसूस करते जाएं। इस दौरान गले के ऊपर यानी विशुद्धि चक्र के ऊपर, थायराइड ग्लैंड के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित रखें। अगर बहुत ज़्यादा चक्कर आए तो आराम से बैठ भी सकते हैं। एक अभ्यास आप ये से कर सकते हैं ताकि आपकी विशुद्धि चक्र में कोई समस्या ना रहे। यहाँ जो मल होता है, जो कफ होता है, वो दोष दूर हो जाए। इसके बाद हम आराम से बैठेंगे और फिर धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे। और अब हम जो अभ्यास करने जा रहे हैं वो है सर्वांग आसन, यानी थायराइड की समस्या के लिए सर्वांग आसन रामबाण की तरह है। सबसे पहले दोनों पाँव को उठाएं, धीरे धीरे कमर को उठाएं, दोनों हाथ को लगाएं, कमर को सीधा करते हुए अगला अभ्यास करेंगे। हलासन, पाँव को यहीं से धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाए। आप चाहें तो पीछे लॉक भी कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, सर्वांगासन में आएंगे फिर से, धीरे धीरे वापस पाँव को पीछे रखते हुए वापस आए। सबसे पहले कमर को नीचे लगाए, इसके बाद पाँव को धीरे धीरे वापस लाए। थोड़ी देर शवासन में लेट जाएं। इस दोनों अभ्यास को यानी सर्वांग आसन और हलासन को पहले शुरुआत में 10 से 15 सेकंड करें,
और फिर उसके बाद 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इस अभ्यास को दोहराएं। अपनी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखकर अगला अभ्यास सेतु बंधासन। अगर आप आंख बंद करके अभ्यास करते हैं तो आप आंतरिक होते हैं, अपने शरीर पर ध्यान रखें, सजगता को बनाए रखें। शुभ चक्र पे गले के ऊपर सेतु बंधासन है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो हाथ को कमर के ऊपर भी लगा सकते हैं, अन्यथा एंकल को पकड़ के रखेंगे। आप देख सकते हैं गले के ऊपर प्रभाव आ रहा है। ध्यान को विशुद्धि चक्र यानी थायराइड ग्लैंड पर ही बनाकर रखें, धीरे धीरे वापस शवासन में थोड़ी देर के लिए लेट जाए। श्वास पूरी तरीके से सामान्य हो जाए। अगला अभ्यास करेंगे मत्स्यासन फिश पोज। पहले पद्मासन लगा लें, पद्मासन लगाने के बाद हाथ को सिर के साइड में लाएं, कंधा उठाएं, धीरे धीरे वापस को उठाते हुए पहले रखें, फिर पद्मासन को खोल लें। मत्स्यासन था। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा तब सरल मत्स्यासन कर सकते हैं। दोनों पाँव को सीधा ही रखें और हाथ को पीछे ले जाते हुए सिर को उठाएं, दोनों हथेलियों को जंघाओं के ऊपर रखें। हवा में उठाएं, धीरे से नीचे रखें, थोड़ी देर शवासन में लेट जाए। इस अभ्यास को भी आप शुरुआत में 10 ब्रीथ तक कर सकते हैं, 10 श्वास तक करें, बाद में 30 और 2 मिनट तक, यानी 30 सेकेंड और 2 मिनट तक इस अभ्यास को बढ़ाएं। इसके बाद बाएं मुड़ते हुए लेफ्ट टर्न करते हुए उठकर बैठ जाए और एक प्राणायाम करेंगे, ऊंचाई प्राणायाम। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। इस आसन में आप सहज तरीके से बैठ पाए, सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, किसी एक आसन में जिसमें आपके लिए बैठना सहज हो। आराम से बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा लगा लें, दोनों उंगलियों को बस टच पर करें, बाकी उंगलियां खुले हुए सामने की ओर। आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधे, कंधों को ढीला रखें। लंबी गहरी सांस लेंगे और हिसिंग साउंड की तरह से सांस की आवाज़ निकलती उस तरीके से आवाज़ निकालेंगे, गले के पास स्विच करते हुए। और ध्यान को विशुद्धि चक्र यानी थायराइड ग्लैंड पर ही बनाकर रखें। ऊंचाई प्राणायाम को 5 बार करें, बाद में इस अभ्यास को बढ़ाते हुए 10 बार तक ले जा सकते हैं। अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत है, ऊंचाई प्राणायाम में शुरुआत में यही अभ्यास करें, बाद में बंद लगा सकते हैं, लेकिन सर्वाइकल की समस्या वाले बंद ना लगाएं। बंद कैसे लगाएंगे? यानी पहले श्वास भरें,
ब्रैकेट जार अंदर बंद लगाएं, चिन लॉक, श्वास को अंदर रोकें, लेकिन उस दौरान कोशिश ये हो कि गले के पास श्वास का प्रभाव महसूस करें, और फिर चिन लॉक हटाते हुए जालंधर बंद खोलते हुए श्वास को इसी साउंड के साथ बाहर निकाल दें। थायराइड के लिए इससे बढ़िया प्राणायाम कोई हो नहीं सकता है। अगर आप फिर भी इसका अभ्यास करते हैं तो थायराइड की समस्या आपके कंट्रोल में होगी, और फिर अंत में 10 बार आप ओम का जाप कर सकते हैं। और धीरे धीरे आगे खोलते हुए आप अपने नृत्य करने लग सकते हैं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर आपकी एक समस्या लेकर आएंगे, और इसी तरीके से योगिक टिप्स देते रहेंगे। रेड नेटवर्क पर बने रहिए। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए, और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।